कि उन्हें एक ऐसी बीवी की तलाश थी जो ना तो उनके पैसे खर्च करवाए, ना उनसे सवाल जवाब करे और ना ही कभी उन्हें छोड़कर मेके जाए। यही वजह है कि उन्होंने गुड़िया से शादी की। एक ऐसी ही दिलचस्प शादी 2010 में साउथ कोरिया में हुई, जब ली जिंगाई ने एक तकिए से शादी की। शादी की ये तकरीब एक बड़े हॉल में मेहमानों के दरमियान हुई, जिसके लिए तकिए को दुल्हन जैसा सफेद लिबास पहनाया गया था। शायद इन साहब को नींद से कुछ ज्यादा ही प्यार है। आज के जदीद दौर में वर्चुअल वीडियो गेम्स नौजवानों में बेहद मकबूल है, लेकिन जापान के शहरी सिल वीडियो गेम के एक किरदार में इस कदर खोए कि उससे शादी ही कर डाली। 2009 में हुई इस अनोखी तकरीब में सिल ने नेने नामी खातून किरदार को बीवी के तौर पर अपना लिया। सिल का मानना है कि उसकी नेने किसी हकीकी लड़की से ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं उन अफराद की जिन्होंने इंसानों की बजाय जानवरों से शादी की। 2006 में भारत की रिहायशी एक हिंदू खातून बम्बाला दास ने सांपों से प्यार की वजह से कोबरा सांप के साथ शादी का फैसला किया। खातून का मानना था कि ये शादी उनके लिए खुशकिस्मती का बायस बनेगी। हैरत की बात यह है कि इंसान और सांप की इस अनोखी और अजीब शादी में 2000 अफराद ने भी शिरकत की। 2005 में लंदन की रिहायशी खातून शैरन टेंडलर ने सिंडी नामी पालतू डॉल्फिन से शादी कर ली। ये शादी इसराइल के शहर एलात में हुई। शैरन का कहना था कि उन्होंने शादी का फैसला 15 साल डॉल्फिन के साथ गुजारने के बाद किया। ताम ये एक मुख्तसर शादी साबित हुई और सिर्फ एक साल बाद 2006 में डॉल्फिन का इंतकाल हो गया। कुत्तों को इंसानों का बेहतरीन दोस्त माना जाता है, लेकिन क्या कोई इंसान कुत्ते से शादी कर सकता है? यह अजीब वाकया भी भारत जैसे मुल्क में हो चुका है, जहाँ 31 साल सिल्वा कुमार ने पंडित के कहने पर एक कुत्ते से शादी कर ली। सिल्वा कुमार का ख्याल था कि खेतों में हल चलाते हुए कुत्तों को पत्थर मारने की वजह से उन पर नहुसत का साया आ चुका है। गांव के पंडित ने नहुसत उतारने का तरीका कुत्ते से शादी निकाला और हैरत की बात ये कि सिल्वा कुमार ने हकीकत में कुत्ते से शादी कर ली। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिस पर सभी को प्यार आता है, लेकिन जर्मनी के रिहायशी एक डाकिये ने अपनी बिल्ली से इस प्यार को शादी के रिश्ते में बदल डाला। इस अनोखी शादी की तकरीब के लिए कोई भी पादरी रजामंद नहीं था, लेकिन उन साहब ने इसका भी हल ढूंढ निकाला और एक अदाकार को पादरी का किरदार अदा करने पर राजी कर लिया। कुछ लोगों को अपनी जात इस कदर पसंद होती है कि उन्हें दूसरे इंसान बुरे लगने लगते हैं। इसकी एक मिसाल चीन के शहरी लियु ये है, जिन्हें अपना आप इतना पसंद है कि उन्होंने 2007 में अपने आप से ही शादी कर ली। शादी की इस तकरीब में उन्होंने फॉर्म से बनी अपनी एक तस्वीर से ब्याह रचाया, जिसमें उन्होंने सुर्ख जोड़ा पहन रखा था। कुछ ऐसा ही 2010 में हुआ, जब थाईलैंड की 30 साल चिन वी ने अपने आप से शादी कर ली। चिन वी के मुताबिक बढ़ती उम्र की वजह से उन पर शादी करने के लिए खानदान का दबाव था, लेकिन मुनासिब लड़का ना मिलने की वजह से उन्होंने इस मसले का यही हल निकाला कि खुद से शादी कर ली। 1979 में जर्मनी की रिहायशी खातून आयजा रीता ने दीवार बर्लिन से शादी का फैसला किया और दीवार के प्यार में अपना नाम तक बदल कर आयजा रीता बर्लिन रख लिया। इस अजीब शादी का इख्तिताम 10 साल बाद उस वक्त हुआ जब जर्मनी के लोगों ने 1989 में दीवारें बर्लिन गिरा दी। फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद मशहूर आइफिल टावर के बारे में सब ने सुन ही रखा है। आइफिल टावर को पहली बार देखने वाला उसके शहर में खो जाता है, लेकिन अमरीकी शहरी एरिका शायद कुछ ज्यादा ही खो गए। साबिक अमरीकी फौजी खातून ने 2008 में आइफिल टावर से बाकायदा शादी का ऐलान कर दिया, और यही नहीं, एरिका ने अपना नाम भी बदलकर एरिका आइफिल रख लिया।